हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गढ़ में। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में सिंपलीफिकेशन के अंतर्गत बहुत सारे इसके फैक्ट्स पढ़े, इसके बेस पढ़े, कुछ ट्रिक्स भी पढ़े। आइए आज हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में भी हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। आइए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि जीवन बीमा परीक्षा 2007 में पूछा गया। सेवन बाई 128 इसको गुणा किया गया है क्वेश्चन मार्क देके, और साथ में प्लस 595 इक्वल टू 883 इसकी वैल्यू पूछी गई है। इसकी वैल्यू पूछी गई है जीवन बीमा परीक्षा 2007 में। ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, अच्छा न्यूमेरिकल है। सिंपलीफिकेशन के अंतर्गत हमको इसको आसानी से या जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। हमको अपने टाइम की भी बचत करनी है, हमको मैथ का रूल भी पता होना चाहिए। उस रूल के अंतर्गत हम इसको फटाक से सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 7/128, मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्वेश्चन मार्क से। हमको पता है इसमें प्लस ही बराबर के जब इस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर के जब उस पार जाएगा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख के माइनस करेंगे। आप लोग अपने प्रैक्टिस के अंतर्गत इसको आप डायरेक्टली यहाँ से माइनस करके लिख सकते हैं। हम यहाँ पे 585 तो यहाँ पे देखते हैं 3 में से 5 हमारा जाएगा नहीं, हो जाएगा ये 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 माइनस होगा 8, फिर यह हो जाएगा 7 में से 9 माइनस होगा नहीं हमारा, ये हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा हमारा, बच जाएगा हमारा 8, और फिर यहाँ पे 7 होगा, 7 में से 5 गया 2। फिर से अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से माइनस कर सकते हैं। डायरेक्टली इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू लाके यहाँ लिख दें। हमने आपको समझाने के लिए फिर से इसको यहाँ पर पूरा लिख के माइनस किया है। 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 17, 17 में से 9 गया 8, फिर इस तरीके से हमारा बच गया 7, 7 में से हमारा 5 गया 2। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, फिर यहाँ पे अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। अगले स्टेप पे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देंगे। डायरेक्ट इसका मान निकालना है। हमको पता है ये बराबर के इस पार जो है ये हमारा गुणा है, इसमें ये गुणा है, इसमें ये गुणा है, बराबर के इस पार जाएगा ये हमारा, ये बटे में है ये, मतलब ये भाग में है तो ये गुणा हो जाएगा, और ये ऊपर गुणे में है तो ये भाग में आ जाएगा। आप लोग ये रूल जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आपको बता रहे हैं। जैसे यक्स बटे वाई है ये इंटू एम इक्वल टू 3, कुछ भी मान ले, जब यक्स वाई बराबर इधर गुणा है उधर जाकर भाग होगा, कहने का मतलब एम इक्वल टू यहाँ निकालेंगे 3 इंटू वाई बाई एक्स, 3 यहाँ पे है ही बराबर के इस पर, ये वाई हमारा ऊपर चला गया, वाई हमारा भाग में है, ऐसे समझिए वाई हमारा भाग में है, बराबर के उस पर जाकर गुणा हो जाएगा, तो यह गुणा हो गया और ये हमारा गुणा में है तो इधर आके भाग हो गया। तो ये मैथ का तो ये तो रूल ही है। तो इस तरीके से हमारा बेसिक यहाँ पे लगाएंगे, कोई ट्रिक नहीं लगाना है, एकदम आसानी से सेकंडों में सॉल्व होना है। इसलिए यहाँ से डायरेक्टली हमको पता बराबर के इस पर 288 है, मतलब 288 है, 288 को
128 बटे 7 से गुणा करेंगे, 288 को 128 बटे 7 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसको देखते हैं 7 से कटेगा क्या, 7 के 7 यहाँ पे 5 बच गया, 7 8 56, या जबकि यहाँ पर 58 हो जाएगा तो यहाँ हमारा कटेगा नहीं 7 से, तो 7 से इसको काटते हैं, 7 चौक 28, 7 के 7 इसमें भी हमारा दशमलव में आ जा रहा है इसकी वैल्यू, 7 के 7 मतलब 7 चौक 28, 7 के 7 एक बज गया यहाँ पे, इसमें भी नहीं आ रहा है हमारा मान। साथियों हमने हम इसे देख रहे हैं इसमें कि जब हम क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं तो इसमें हमारा एक वैल्यू हमारा गलत लिखा हुआ है, ये 883 ना होके ये 833 है, 833 है, इसीलिए हमारा ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे 833 से हम इसको माइनस करेंगे, आठ सौ तैंतीस से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वही 13 से 8, 13 से 5 गया 8, फिर यहाँ बच गया 2, 2 में से हमारा 9 माइनस आएगा, 12 में से 3, फिर 7 में से 5 गया 2, 238 आ गया, यहाँ पे हमारा 238 आ गया। और इस 7 से काट के चेक करते हैं क्या ये कटेगा, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 3 के 21, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी कि 7 चौक 28 ये हमारा पूरा कट गया। इस तरीके से हमारा ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे वही हमारा आंसर होगा, इसकी वैल्यू वही होगी वही हमसे पूछा भी गया है। तो इस तरीके से हमको अगर 34 का टेबल याद है, 34 का पहाड़ा याद है, डायरेक्ट एक ही बार में गुणा कर लें, नहीं तो अगर नहीं याद है इसको छोटा छोटा करके 4 से और 3 से कर लें। तो आइए हम इसको 4 से करते हैं, 4 8 32, 4 2 9 8, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 2 9 8, 9 10 11 का 1 हासिल 1, और 4 1 के 4 1 5, फिर 3 से 3 8 24, 3 8 24 का 4 हासिल हो गया 2, और 3 2 6 6 2 8, 3 1 के 3, 2 5 43, 52, 43 52 इसका आंसर हो गया, विकल्प में हमारा दिया हुआ है 84 80, 43 52, 46 08, 46 096। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया, कहने के मतलब इन दोनों को आपस में गुणा करिए तो ये आगे हमारा 43 52 यही हमारा आंसर हो गया, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल। आप लोग बेस समझते रहिए कैसे सॉल्व होता है, वैल्यू तो इसकी चेंज ही हो जाएगी एग्जाम में, आपको भी पता है। आइए एक दूसरा न्यूमेरिकल लगाते हैं, एक अच्छा न्यूमेरिकल, 1/8, 1/8 को गुणा किया गया, यहाँ पे गुणा का निशान बनाया, 223 प्लस क्वेश्चन मार्क, 223 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7, इक्वल टू 7, ये हमसे एग्जाम में पूछा गया कि इसकी वैल्यू पूछी गई। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आपस में गुणा है ये दोनों, कहने मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक अलग और ये आपस में दोनों गुणा है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 223 प्लस क्वेश्चन मार्क को इधर ही छोड़ देते हैं, जो कि ब्रेकेट लगा के चाहे वैसे ही इधर गुणा है, इधर आके ये इधर गुणा है, मतलब जो कभी ये इधर आपस में पूरा गुणा है तो इधर जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, कहने मतलब 8 हमारा भाग में है तो गुणा में हो जाएगा जैसे इसके पहले हमने किया था। तो यहाँ से 7 × 8, 7 × 8 हो जाएगा, 8 हमारा यहाँ अभी 1 हमारा नीचे हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब 56 हो गया, और ये हमारा आपस में प्लस है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर हमारा प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से
छप्पन माइनस 223, फिर से वही प्रॉब्लम हमको दिख रहा है। इसमें इसमें इसकी वैल्यू थोड़ी सी और है, और हम यहाँ पे 71 है, यहाँ से 71 है, तो यहाँ पे 71 करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 8×8, 8×7=56, 568, 8×8, 8×7=56, फिर यहाँ से 568 माइनस, इधर बराबर के इस पार है, इधर का माइनस हो जाएगा 223, और 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, और 6 में से 2 गया 4 और 3, फिर से 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 345 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। विकल्प हम देखते हैं, विकल्प में दिया है, हाँ विकल्प में दिया है 346, 342, 345, 348। ये पूछा गया है बैंक पीयू परीक्षा 2008 में, बैंक पीयू परीक्षा 2008 में पूछा गया अच्छा न्यूमेरिकल। आइए हम दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। जेड माइनस एक्स माइनस ए माइनस जेड, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये हमारा इसकी वैल्यू पूछी गई। साथियों फिर से समझिए क्या लिखा है, एक्स माइनस वाई, बड़ा ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो, वाई माइनस मतलब ब्रैकेट स्टार्ट हो, जेड माइनस छोटा ब्रैकेट के अंदर अंदर एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और वाई माइनस जेड के ऊपर बार लगा हुआ है या फिर रेखा कोष्टक लगा हुआ है जिसे कहते हैं, और ये हमारा छोटा ब्रैकेट बंद हुआ मछला और बड़ा, और इसकी वैल्यू पूछी गई। तो हमको पता है कि बोर्ड मास के रूल से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, पहले ब्रैकेट से, ब्रैकेट में पहले रेखा ब्रैकेट, तो यहाँ से पहले एक्स माइनस वाई के ऊपर बार लगाओ, यहीं से सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू तो एक्स माइनस एक्स मतलब वाई माइनस जेड, इसकी वैल्यू तो वाई माइनस जेड ही रहेगा, इसकी वैल्यू वाई माइनस जेड है तो वाई माइनस जेड ही रहेगा। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, वाई माइनस जेड को सॉल्व किया सबसे पहले, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये हो गया ऐसा। फिर से एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस, हमको पता है अब यहाँ से छोटा ब्रैकेट हटाना है, तो इस माइनस से इसमें भी गुणा होगा, इस माइनस से इसमें भी गुणा होगा, इस माइनस से इसमें भी गुणा होगा, तीनों संख्याओं में हमारे माइनस से गुणा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा जेड, और ये माइनस का निशान यहाँ है नहीं, माइनस से इसमें गुणा किए, माइनस एक्स जेड यहाँ तो है, इस माइनस से गुणा किया माइनस एक्स, फिर इस माइनस से प्लस वाई, प्लस वाई, फिर इस माइनस से माइनस गुणा होगा प्लस जेड, और इस तरीके से ये हमारा ब्रैकेट ये हट गया, और हमारा आ गया मछला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर से एक्स माइनस यहाँ से देखेंगे वाई माइनस, अब इस माइनस से सब में गुणा होगा, जब इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस जेड माइनस मतलब प्लस एक्स, ये माइनस से माइनस माइनस में गुणा प्लस एक्स, इस माइनस से इसमें माइनस वाई, फिर माइनस जेड, और ये हमारा ब्रैकेट हट गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कमी हो गई क्या, कि दोनों माइनस 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 प्लस हो गया, ये हमारा कटा नहीं,
वाई भाई तो प्लस जेड,